मिक्सिफाई किचन एक और बार हम आ गए हैं मिक्सिफाई किचन में मिक्सिफाई प्रीमिक्स प्रोडक्ट्स का यूज करने। अभी ब्राउन ग्रेवी किस किस को पसंद, लेकिन ब्राउन ग्रेवी जब घर पे बनानी होती है तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, बिकॉज उसको ऑनियन को आपको धीरे स्लो फ्लेम पे तलना पड़ता है, फिर उसकी ग्रेवी बनती है। सो ये सारी प्रोसेस हम आज कट डाउन करने वाले हैं। सो आज हम बनाने वाले हैं मिक्सिफाई प्रीमिक्स के ब्राउन ग्रेवी प्रीमिक्स का यूज करके वेज हांडी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम ले रहे हैं मिक्सिफाई प्रीमिक्स का ब्राउन ग्रेवी पाउडर, जिसमें बहुत अच्छे से सारे मसालों का परफेक्ट ब्लेंडिंग किया गया है, जिससे आपको रेस्टोरेंट स्टाइल ब्राउन ग्रेवी मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें सारे वेजिटेबल्स, सारे मसाले एकदम अच्छे से मिक्स करके दिए हुए हैं, जो सारे डिहाइड्रेटेड फॉर्म में हैं। अब हम इसमें डालेंगे 200 ml ऑफ वाटर। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारा ब्राउन ग्रेवी का जो प्रीमिक्स है उसको हमने अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। अब हम बनाते हैं सब्जी। उसके लिए एक पैन लिया है, उसमें लेंगे थोड़ा सा ऑयल। कभी घर पे अचानक से गेस्ट आ गए हैं और आपको बनाना है अच्छा सा पंजाबी खाना, तो आप सोचेंगे कि मुझे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर आप इस प्रीमिक्स का यूज़ करते हैं तो सिर्फ 10-15 मिनट में आपकी अच्छी सी पंजाबी सब्जी रेडी हो जाती है। तेल गरम हो चुका है, उसमें डालेंगे टमाटो प्योरी। टमाटोज को अच्छे से कुक करना है। अगर आप प्योरी नहीं यूज करना चाहते तो आप चॉप्ड टमाटोज को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे वेजिटेबल्स यूज करने वाले हैं, बिकॉज हम वेज हांडी बनाने वाले हैं। ज़रूरी नहीं कि इस ग्रेवी से सिर्फ यही सब्ज़ी बने, आप बहुत सारी सब्ज़ी, अलग अलग सब्ज़ियाँ बना सकते हैं। पनीर के साथ भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। 2-3 मिनट तक टमाटोज को कुक करेंगे। मिक्सिफाई का जो प्रीमिक्स है उसमें सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से बैलेंस है, लेकिन अभी हमने जो टमाटोज डाले हैं, टमाटो प्यूरी, उसके हिसाब से थोड़ा सा नमक एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिक्स वेजिटेबल्स जो ऑलरेडी बॉइल्ड किए गए हैं। इसमें हमने 4 different types ऑफ वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। आप चाहे अपने हिसाब से अलग अलग वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं बॉइल्ड पीस है, कैरट्स, कॉलीफ्लावर और बीन्स। दीज आर वेरी कॉमन वेजिटेबल्स। इन सब को टमाटो प्योरी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर ग्रेवी टू गो। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल सकते हैं, और चाहे तो थोड़ा सा चीज़ भी डाल सकते हैं, आपकी पसंद है। बस इसको 3-4 मिनट तक कुक करना है और उसके बाद आपकी सब्जी रेडी है। सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ऑयल रिलीज हो चुका है। एंड लुक एट द कलर, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। देख के ही इच्छा हो जाती है कि कब इसको टेस्ट करें। करेंगे टेस्ट। बस लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 2-3 चम्मच क्रीम। तो हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विकली बन जाने वाली हांडी, वेज हांडी रेडी है, जिसको हम सर्व करने वाले हैं।
तो झटपट बनने वाली ब्राउन ग्रेवी और उसमें से बन गई है वेज हांडी जो एकदम फटाफट से बन जाती है और जो रोटी पराठा नान सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। सो श्योरली ट्राई कीजिए मिक्सिफाई प्रीमिक्स के रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स और बनाइए तरह तरह की सब्जियां और तरह तरह की रेसिपी। हम मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।